हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। न्यू वीडियो पर आ चुका है नोनी भाई और एक न्यू चीज़ लेकर। बट गाइस, आज का वीडियो क्या है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरा ऑडियंस के लिए, क्योंकि गाइस आपको ये वीडियो देखने से पता चलेगा गरीना ने मेरे साथ फ्री फायर ने क्या गाइस गलत काम किया है। ठीक है, तो और ये वीडियो गाइस मेरा बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें बहुत बंदे मुझे गलत समझ सकते हो, क्योंकि मैं आगे जो बताऊंगा उसमें आपको पता चलेगा। तो रिक्वेस्ट, एक छोटा सा पूरा वीडियो सब लोग देखो, फिर आप लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा गाइस मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है, जो आप लोगों के साथ भी हो सकता है, और आप लोगों के साथ अगर ये चीज होगा तो आप इससे कैसे बचोगे। ठीक है, तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं इधर ग्रुप में हूँ और मेरा स्कोर है 316। तो पहले आप एक चीज नोटिस करो, 316 जो स्टार है इसमें कभी मास्टर नहीं होता है। आपको भी पता है गाइस 95 स्टार में ग्रैंड मास्टर होता है पहले पहले। और गाइस अभी रीजन देख सकते हो, गाइस रीजन में गाइस जो भी रैंक पुश किया है आप लोग नोटिस करो, मैं कल तक गाइस रीजन में था। मैं आपको थोड़ी देर बाद लाइव स्ट्रीम का क्लिप भी दिखाऊंगा। तो मेरा जो स्कोर है 316, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मेरा देखो गाइस 320, 317, 315, मतलब 36 नंबर पर होना था। ठीक है, अगर मैं गेम खेल पाता तो, बट मैं अभी रीजन पर भी न्यू और मेरा मास्टर दिखा रहा है। तो ये ऐसा क्यों दिखा रहा है मेरे साथ, क्यों मेरे को ये हो रहा है, और उसके ऊपर गाइस मेरा मैच स्टार्ट नहीं हो रहा है सीएस रैंक। तो गाइस इसके लिए दो रीजन होता है, आपका ऑनर स्कोर कम होगा तो आपका मैच स्टार्ट नहीं होगा। बट गाइस आप लोग नोटिस करके देखो, मेरा ऑनर स्कोर इधर 100 है, मतलब गाइस मेरा ऑनर स्कोर सही होने के बाद भी मेरा मैच स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा आईडी ब्लैक लिस्ट हो गया। तो आपको गाइस ये पता होना चाहिए आपका आईडी ब्लैक लिस्ट क्यों हुआ, मतलब मैं गाइस कुछ गलत किया होगा तो उसके बाद ही तो मेरा आईडी ब्लैक लिस्ट होगा ना। तो गाइस वो मैं बताऊंगा, बट आप एक चीज नोटिस करो गाइस, मैं इस सीजन पर रीजन में टॉप 30 में आ गया था, और इस सीजन पर सीएस का जो रीजन है गाइस, इधर से जितना भी ग्लिच यूजर था, जो भी अनफेयर प्लेयर था, सबको माइनस करा दिया, ब्रोंज में भेज दिया। ठीक है, जो भी 999 किया था आपको भी सबको ब्रोंज में भेज दिया। बट गाइस मैं उसके बाद बहुत ऊपर में आ गया था 30 नंबर पर, और मेरा आईडी में अकेला खेलता हूँ, अकेला खेल के गाइस दिन रात, मेरा दो चैनल है गाइस, नल्ला नोनी और नोनू प्लेस, दोनों चैनल पर दिन रात अकेला मैं लाइव करके रैंक पुश करता था, बहुत को पता था, और मैं अकेला खेल के गाइस इतने ऊपर आ गया था। अभी गाइस उसके बाद अगर मेरे को रीजन में मेरा नाम नहीं रहेगा तो क्या फायदा हुआ गाइस रैंक पुश करके, आप सोचो गाइस। क्योंकि मैं रैंक पुश किस लिए कर रहा था, मेरा YouTube चैनल का नाम जो है नल्ला नोनी लोगों को पास चले जाएगा रीजन में होने से, लोगों को पता चलेगा भाई नल्ला नोनी रीजन पुश कर रहा है, मेरे को लोग शेयर करता है, इंस्टा में स्टोरी लगाते हैं, बहुत लोग लगाए अभी, लोगों को होता है ना, लोग चाहते हैं ना गाइस, आप लोग भी दिल से चाहते थे नोनी भाई टॉप 1 करो, नोनी भाई टॉप 10 में आओ। भाई अकेला तो गाइस आपको पता है रैंक पुश 24 घंटा तो इम्पॉसिबल, 20 घंटा भी खेलना, बट मैं फिर भी गाइस मेरे से 100% दे रहा था, रात को 3-3 बजे तक मैं लाइव कर रहा था। बट गाइस मेरे साथ बहुत बुरा चीज़ हुआ, तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ ये मेरे साथ कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो आप लोग पहले नोटिस कर लेना, मैं रीजन से बाहर हो गया मेरा स्कोर होने के बाद भी, और मेरा विन रेट गाइस देखो, आप लोग समझ सकते हो विन रेट होने के लिए नहीं होता है, तो मेरा विन रेट आप लोग नोटिस करो, देखो मेरा विन रेट कितना है 83 का। नॉर्मली 94 के ऊपर विन रेट होता है तो आप रीजन में स्कोर होने के बाद भी नहीं आ पाओगे, बट मेरा विन रेट गाइस 83 का है, फिर भी मैं नहीं हूँ रीजन पर। और एवरेज डैमेज भी देख लो गाइस, फेयर प्लेयर हूँ, सबको बताया गाइस मैं लाइव में ही बस गेम खेलता हूँ, केडीबी 3 का है गाइस, सब कुछ ठीक है। तो अभी गाइस मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलो गाइस आप लोग नोटिस करो, गाइस मैं यूट्यूब में आ चुका हूँ, और YouTube में ये मेरा चैनल है नल्ला नोनी, जिसमें मैं डेली सुबह लाइव करता हूँ, ठीक है। और गाइस ये मेरा आईडी जो सीन हुआ, देखो गाइस एक दिन पहले का मैं, आज 29 तारीख है, मतलब आप लोग ये वीडियो 30 तारीख को देख रहे हो, मतलब मैं परसों, मतलब दो दिन पहले का बात बता रहा हूँ, तो मैं लाइव कर रहा था, ठीक है। आप लोग नोटिस करना दोस्तों, इधर 246 स्टार है मेरा, और मेरा माइनस लग गया, ठीक है। ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ बैक करके थोड़ा, गाइस ये देखो 1-3 चल रहा है, और ये मैच हम लोग हार जाते हैं, मतलब सुबह में जब लाइव आता हूँ उसके बाद पहला मैच खेल के मैं मैच हार जाता हूँ, और उसके बाद मेरा 0 विनिंग स्ट्रीक हो जाता है, ठीक है। नोटिस करना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक से 0 विनिंग स्ट्रीक हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोग गेम खेलना स्टार्ट किया, ओके। उसके बाद गाइस देखो पूरा लाइव में, पूरा लाइव में मैं बस गेम खेला, और मैं लाइव में ना कोई ग्लिच करता हूँ ना कुछ करता हूँ, मैं बस मैच स्टार्ट करता हूँ और मेरा मैच लगता है। प्रूफ के लिए आप लोग मेरा लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हो, एक दिन पहले का लाइव स्ट्रीमिंग है, ओके। तो ये जो लाइव खेला मैंने, लाइव में पूरा गाइस देखो इधर अकेला गाइस 4 घंटा लाइव स्ट्रीमिंग किया, और मैं लाइव स्ट्रीमिंग का एकदम एंड में आ जाता हूँ, मेरा गाइस एकदम लास्ट का जो मैच है ये मैच है, तो मैं पूरा लाइव में एक मैच भी नहीं हारा कल, पहला मैच बस हार गया, जिसके बाद मेरा 0 का विनिंग स्ट्रीक हुआ। उसके बाद मैं लाइव में जितना मैच खेला गाइस उतना मैच गाइस इधर में जीत गया, और जीतने के बाद मेरा विनिंग स्ट्रीक कितना हुआ आप लोग देख लो, ये देखो गाइस लास्ट मैच खेला और मेरा मैच हो गया खत्म, ओके। तो मेरा गाइस विनिंग स्ट्रीक देखना आप लोग, ये देखो 28 को विनिंग स्ट्रीक गाइस, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छा खासा,
गाइस आप लोग खुद देखो 28 का विनिंग स्ट्रीक मैंने कर दिया पूरा लाइव में। गाइस परसों एक दिन पूरा कोई स्क्वाड आकर मेरे को हरा नहीं पाया। मैं था, विशाल एफ था, ओयन था, सोहेल था, हम विशाल भाई का भी 29 का स्ट्रीक था। विशाल भाई भी इंडिया में टॉप 10 में फेयर खेल के गए। हम लोग कोई चीटिंग नहीं किया, मतलब मैं कुछ किया ही नहीं, 28 का स्ट्रीक है। ओके उसके बाद मैं ऑफ चला गया। गाइस ये है मेरा सुबह का लाइव स्ट्रीमिंग। तो आप लोग गाइस अभी सोचोगे नोनी भाई आप लाइव में तो कुछ नहीं किया, ऑफलाइन पर तो कुछ कर ही होगे, इसलिए आपका आईडी ग्रैंड मास्टर से हट गया या आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो देखो गाइस 28 का स्ट्रीक है। तो अभी मैं मेरा सेकंड चैनल को सर्च करके दिखाता हूँ। इसमें मैं डेली रात को लाइव करता हूँ 11 बजे से 3 बजे तक। तो मेरा ये सेकंड चैनल है लाइव स्ट्रीमिंग का। और गाइस देखो मैं कल रात को लाइव किया था 12 घंटा पहले, आप लोग देख लो। तो इसको मैंने ऑन किया, आप लोग देखना नोटिस करके। गाइस देखो ये मेरा लाइव स्ट्रीमिंग का स्टार्ट है एकदम, आप लोग देखो। और इधर मेरा 282 स्टार है और मेरा विनिंग स्ट्रीक देखना कितना है। गाइस देखो 28 का विनिंग स्ट्रीक आपको दिखाई दे रहा है शायद, ओके एक बार देख ले तो। हाँ गाइस 28 का विनिंग स्ट्रीक सबको दिख रहा है। तो आप लोग देखा मैंने सुबह लाइव बंद किया शाम को 4 बजे, उसके बाद मैं ऑफलाइन चले गए। फिर मैंने वीडियो एडिट किया, शॉर्ट वीडियो, फिर इस चैनल के लिए एक वीडियो चला, काल छाबड़ी यूट्यूबर वाला, मतलब सेकंड चैनल के लिए। फिर मैंने गेम ही नहीं खेला, फिर मैं लाइव में अगर गेम खेलना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बस लाइव में ही गेम खेलता हूँ, कभी ऑफलाइन पर नहीं खेलता हूँ। तो आप लोग सोच लो गाइस मैं ऑफलाइन पर गेम नहीं खेला, तो इसका मतलब मैं कुछ चीटिंग नहीं किया। तो 28 का स्ट्रीक ही है। तो मैंने इधर से पूरा लाइव खेला, ठीक है पूरा लाइव में। गाइस एक मिनट जस्ट ऐड को स्किप होने दो। मैंने रात को 3 बजे तक रैंक पुश किया। और इधर भी गाइस देखो सामने अच्छा बंदा, देखो टीम ओरा गिल्ड का प्लेयर, सब अच्छा अच्छा बंदा है। और मेरा विनिंग स्ट्रीक देखो इसमें 48 है, मतलब मैं पूरा मैच रात को कल माइनस नहीं किया। कल भी मेरा स्क्वाड सेम ही था, विशाल भाई था, ऋषभ कामरान में था, सब मतलब मैच मेरा सही गया। ओके गाइस 316 स्टार है मेरा, ओके। और मेरा गलती देखो गाइस मेरा 49 का स्ट्रीक। अभी आप लोग देखो मैंने सुबह 28 का स्ट्रीक लाइव में किया, फिर मैंने रात को लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर जहां पर मेरा ऑडियंस देखता है उनका सामने 49 का स्ट्रीक बनाया। मैं सोच रहा था भाई मैं स्ट्रीक तो बना रहा हूँ, मेरे को 100 का स्ट्रीक भी करना था, और उसके साथ साथ मैं रीजन में टॉप 24 में आ गया था, ठीक है। तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ आप लोग नोटिस करो, मैं साउंड कॉन करता हूँ। वही तो मैं सोच रहा हूँ भाई, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस। देखो भाई मैं रात को कल गाइस रीजन का बाहर हो गया 316 स्टार में। देखो मेरा इधर होना था 316 में गाइस टॉप 28 में आता है इंडिया में। गाइस आप लोग खुद देखो मैं इतना जो रात भर रैंक पुश किया, अकेला गेम खेला, फेयर खेला, मेरा विनिंग स्टिक 49 था, ये मेरा गलती हो गया। गाइस क्यों मैं बता रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। देखो इन्होंने भाई आपका देखो क्या विनरेट तो बस 84 का है। अरे वही तो मैं सोच रहा हूं भाई, मेरे को बीबीएस में मेरा देखो रीजन से गाइस देखो मैं रीजन चेक कर रहा हूं रात को 3 बजे तक है भाई 93.4 का ऊपर नहीं होता है। आप लोग देखो मैं अभी तक गाइस देखो मैं रात को डिप्रेशन में आ गया गाइस, क्योंकि मैं रीजन का बाहर हो गया। मैं रात भर रैंक इसलिए पुश कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था मैं टॉप 10 में जाऊं इस सीजन को। और मैं रात को लाइव में ही करता हूं, मतलब मैं लाइव में ही पूरा खेला। दोनों लाइव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग खुद चेक कर लेना। कहीं पर मैंने कुछ गलती नहीं किया, मैं नॉर्मली स्क्वाड लेकर खेला, अच्छा अच्छा बंदा आ रहा था उनको मैं मार रहा था, जो भी आ रहा था उनको मैं मार रहा था। फिर हम लोग को विनिंग स्ट्रीक 49 का हो गया। और उसके बाद गाइस देखो क्या हुआ मेरे साथ, मैच स्टार्ट नहीं हो रहा था गाइस, क्योंकि रात को फाइनली मेरा मैच स्टार्ट हो गया था। और सामने देखो गाइस कौन आ गया, सामने नॉर्मली 50 स्टार का प्लेयर आ गया था। एंड गाइस हम लोग को विनिंग स्ट्रीक 49 30 23 23 है। और उसके बाद गाइस मेरे साथ क्या हुआ देखो आप लोग, मुझे दांत में क्या पीला गाइस देखो मैं हम लोग का बात सुन लो पहले, मुझे दांत में तो नीला पीला दिख रहा है। लड़की होता है रात को खेलता है तो भाई पेट खुश होता है। अरे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा मेरी जान। गाइस देख रहे हो भाई मेरा दो बंदा डाउन हो गया और ये लोग भी स्टार्टिंग में डाउन हो गया। क्या हुआ आगे देखो आप लोग, नोनी भाई का विनिंग स्टिक था। ये बंदा हैकर इधर से मेरे को उधर मार दिया। आप लोग सोचो गाइस एक बंदा फेयर पुश कर रहे है, उसका सामने अगर हैकर आते हैं रात को 3 बजे कितना बुरा लगता है, जिसके ऊपर मेरा 49 का विनिंग स्ट्रीक है। ओके तो चलो मेरे को गाइस क्या कर सकते हैं अभी। गाइस आपको भी पता है गाइस ये जो हैकर है अगर आ जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, माइनस होना ही है, ठीक है। तो हम लोग गाइस इसके बाद ये नॉर्मली हैकर नहीं था, इसका और भी गेम प्ले आपको दिखाता हूं एक राउंड। गाइस डाउन स्टार्ट होने के बाद देखो क्या होता है, रेडी रहना गाइस आप लोग, काउंट करके देखना गाइस। मेरा ऊपर खरीदने को इधर लोग चैटिंग भी कर रहा है। 1 खत्म गाइस देखो। हाँ यार इसको मार सकते गाइस, फिर से देखो आप लोग। 3 मेरा ऊपर खरीदने को पैसे नहीं। 2 मतलब गाइस एक सेकंड में पूरा हैकर हम लोग का स्क्वाड को माइनस दिला दिया। और इसके साथ साथ मेरा 49 का जो विनिंग स्ट्रीक है ये टूट गया, ठीक है गाइस 49 का जो मैंने स्ट्रीक किया ये टूट गया। इधर भी देखो गुलवेल का अंदर मार दिया, कोई बात नहीं।
तो गाइस इधर मेरा स्ट्रीक टूट गया 49 का, ओके। तो मेरे को लगा भाई चलो भाई आप तो मैं रीजन में आ चुका हूँ इसका मतलब। फिर मेरे साथ क्या हुआ देखो, फिर से हम लोग एक मैच खेलना स्टार्ट किया और इस मैच पर भी गाइस देखो क्या हुआ मेरे साथ। मैं थोड़ा पहले आता हूँ, ये देखो मेरा साउंड सुन रहा आप लोग। अबे भाई यार अब बंदों पे मेरी तो फटने लगी देख के ही। टीममेट का बात सुन रहे हो गाइस, बंदा को देख के फटने लगी गाइस। रीजन में सब बैठा है, बंदा देखो गाइस कैसा आया। ऑलरेडी फट गया भाई, मेरे को मास्टर कर दिया, मास्टर कर दिया गाइस। मैं बोल रहा हूँ सब लोग गाइस देखो ग्रैंड मास्टर पर, मैं मास्टर पर हूँ और उसके ऊपर भाई देखो ये चीज कुछ तो हुआ है क्योंकि लगातार हैकर नहीं आता है, लगातार हैकर आ रहा है और ये मैच भी हम लोग हार जाते। तो गाइस देखो इसके बाद हम लोग ट्रेनिंग में गया, ओके। ट्रेनिंग में जाने के बाद गाइस 4-0 मतलब सॉरी 4 बंदा है, मतलब गाइस मेरे को जो कि कोई प्लेयर नहीं है। जब भी आपका आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो आपका आईडी में ट्रेनिंग में जाने के बाद कोई नहीं आता है, इधर हैकर आएगा नहीं तो कोई नहीं आएगा। तो रात को ऐसे हुआ कोई नहीं आया, तो मेरे को पता चल गया मेरा आईडी ब्लैकलिस्ट चला गया और जिसके लिए भाई मेरा गेम खेलना रात को बंद हो गया। तो दोस्तों अभी आप लोग मेरे को नोटिस करके देखो, सीएस रैंक है मेरा 316 स्टार है, मैं फ्रेंड लिस्ट में 6 नंबर पर हूँ बट मैं रीजन पर नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे को आप बताओ गाइस मेरा गलती इसमें क्या था, मैंने तो विनिंग स्टिक गाइस जो बनाया 49 है, मेरा गलती है क्या इतना विनिंग स्टिक बनाया? हम अगर मैच जीतेंगे तो ये मेरा गलती है, बताओ आप बताओ गाइस गरीना ने ये करना क्या सही किया भाई? मैं रैंक पुश किया लाइव में किया, मैं मानता चे चलो भाई मैं ऑफलाइन पर खेला, कुछ ग्लिच किया, कुछ बॉट बंदा को मारा, तो आप लोग बोल पाओगे नोनी भाई आप ग्लिच यूज किया, बट आप लोग खुद आंखों में देखो मैं पूरा तो जितना मैच खेला सब लाइव में खेला, सुबह 8 किया, फिर रात को अगर स्टिक बनाया 49 किया, उसके बाद मेरा आईडी ब्लैकलिस्ट चलेगा और साथ में रात को मेरे को मास्टर कर दिया। तो बताओ गाइस फ्री फायर से क्या ये मेरे साथ सही किया भाई? बताओ भाई, जस्टिस तो मुझे नहीं मिलेगा। अभी मेरा आईडी ब्लैकलिस्ट हो गया तो मेरे को गाइस आईडी कम से कम 3 से 7 दिन मतलब 3 से 7 दिन उसके बाद ही मैं सीएस रैंक खेल पाऊंगा, और जब मैं 3 से 7 दिन बाद सीएस रैंक खेलूंगा तब मेरा आईडी गाइस रीजन पर रहेगा। आप बताओ तब मैं टॉप 30 में, तब मैं टॉप 1 कैसे कर पाऊंगा भाई? उसके बाद तो सभी लोग पुश करेगा ना, मैं तो नीचे आ जाऊंगा। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, आप लोग जो चीज के लिए मैं रैंक पुश कर रहा था वो है मेरा नाम होने के लिए, मतलब लोगों को पता चले, ठीक है। चलो भाई मैं रीजन में हूँ, लोगों को मेरा नाम यूट्यूब चैनल का नाम पता चलेगा। और एक चीज बहुत सब्सक्राइबर ने बोला था नोली भाई इस बार तुमको टॉप 1 करना है, टॉप 10 करना है, उसके लिए मैं अकेला पुश कर रहा था। तो गाइस देखो मेरे साथ जो चीज हुआ, आप लोग लाइव में अगर बोलते हो नोनी भाई आपका रैंक कैसे घट गया क्योंकि मैं दूसरे आईडी से खेल रहा था तो लोगों को लग रहा है तो मेरे ब्रोंज में भेज दिया, तो मेरे को ब्रोंज में कुछ नहीं भेजा, मेरे को मास्टर कर दिया, ठीक है। जो जो ग्लिच यूज किया उनको ब्रोंज में भेजा बट मैं मास्टर पर हूँ, इसका मतलब मैं कुछ ग्लिच यूज नहीं किया और उसके ऊपर मैं लाइव स्ट्रीमिंग पर रैंक पुश किया, तो लोगों को और भी अच्छे खासे पता होगा नोनी भाई एक फेयर पुशर था। तो गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे गलत मत सोचना जी भाई मैंने कुछ गलत किया इसलिए मेरा आईडी में ऐसा हुआ। आप लोग खुद देखे भाई मैं लाइव में रैंक पुश किया, अच्छा बंदे को मारा, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हुआ। तो आगे से आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। देखो मेरा विनिंग स्टिक 49 था तो वो तो माइनस हो गया, उसमें मेरे को दुख नहीं लगा बट दुख इस बात का लगा मेरा आईडी ब्लैकलिस्ट हो गया और मैं रीजन से बाहर हो गया। तो गाइस ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप लोग मुझे गलत मत समझना भाई जब मैंने कुछ गलती किया, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग पर जो भी किया था और अच्छा तरीके से खेला था, अच्छा अच्छा प्लेयर को मारा था भाई और रात भर पुश करके भाई मेरा कुछ नहीं हुआ भाई, गरीना जो मेरे साथ कर दिया। तो गाइस आप लोगों से छोटे से रिक्वेस्ट है, आप कोई भी बंदा अगर मेरे मन में गलत सोचेगा तो उसको प्लीज बोल देना भाई नोनी भाई इधर जानबूझ के नोनी भाई के साथ ये नहीं हुआ, गरीना ने भाई इधर कर दिया गया इसका आईडी को ब्लैकलिस्ट, क्योंकि मैं गाइस आप लोग खुद देख सकते हो भाई मेरा प्रोफाइल इतना बुरे लग रहा है ना भाई, मैं रात भर पुश किया था अकेला इस आईडी में, गाइस 3 KD इतना डैमेज है, इतना हेडशॉट रेट है, इतना विन रेट है, फिर भी मैं रीजन में नहीं हूँ भाई बाकी बंदा लोग। तो गाइस ये वीडियो गाइस ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बोलना था, अभी मैं इस आईडी से रैंक मैच 7 दिन नहीं खेल पाऊंगा, उसके बाद मेरा सही होगा, तब तक मैं रीजन से भी बाहर हो जाऊंगा और ये सीजन में और गेम ही नहीं खेल पाऊंगा भाई, फिर मतलब क्या होगा पुश करके सब लोग टॉप 1 कर लेगा। तो गाइस सॉरी गाइस सबको, क्योंकि मैं अपना 100% दिन रात जाग के प्लस किया था बट गरीना ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को बाहर कर दिया रीजन से और साथ में ब्लैकलिस्टेड कर दिया, और कोई मेरे को गलती तो मैंने नहीं किया फिर भी मेरे साथ ये हुआ, तो आप लोग मुझे गलत मत समझना, ठीक है। तो चलो गाइस सबको बाय बाय टाटा, दिल से भाई जो भी सपोर्ट करते हो सबको लव यू, टाटा गाइस। इस बार नहीं हो पाया बट नेक्स्ट बार कोशिश करेंगे।